वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गुड़गांव का देसी छोरा। थैंक यू। ये बज रहे 12:30 और मैं एक चीज़ दिखाने मैं बनाने जा रही थी इसको, फिर मैंने सोचा कि आपको शेयर करती हूँ। देखो मैंने ना ये मंगाए थे एक बार ऑनलाइन, मतलब हो गए कम से कम काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए। तो इसमें मैं इसको कम से कम मिले थे 7-8 पीस मिले थे ये। इसके अंदर से देखो मैं क्या करती हूँ, ये कॉलिन पहले मतलब मैंने इसमें पानी भरा तो जो बचा हुआ था इसलिए इसका कलर ऐसा हो रहा है। कॉलिन जो ख़त्म हो जाता है ना जब, तो मैं उसमें ऐसे पानी डाल के और इसके अंदर से अभी दिखाती हूँ निकलती है ये, ठीक है। और इससे बनती है कॉलिन, देखो कैसे इसको डाला इसके अंदर, ठीक है ये, ठीक है। अब ये बुलबुले से उठ रहे हैं, दिख रहे हैं डिस्प्रिन की, जैसे डिस्प्रिन की गोली एकदम होती है ना ऐसे होता है। और ये बन जाएगा कॉलिन, बस मैं ये करती हूँ और बन गया ये, देखो ये है ना ये, अभी दिखाती हूँ। ये टैबलेट है ना, ये बुलबुले दिख रहे हैं उठते हुए। अब धीरे धीरे ना ये सारी की सारी है ना घुल जाएगी पूरी, और फिर इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल प्योर एकदम कॉलिन का ही काम करती है, ठीक है। ये रही, अब ये जब पूरा बनेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी। ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इसमें, इसका पानी है ना जो पानी पास नहीं हो रहा, तो इसीलिए कपड़े हो गए बहुत ज़्यादा कुछ तो ये रखे हुए। और कुछ ममता छत पे धो रही है तो वो अभी छत पे जाके दिखाएगी काकुल, क्योंकि मैं नीचे काम कर रही हूँ कि छत पे कितने कपड़े धो रही है ममता। और दिव्या बना रही है नीचे चावल और चटनी, साग रखा हुआ है तो रोटी बना ली है। काकुल ने ये सारे गेट वेट मांझ दिए, देखो काकुल ने टैले मांझ दिए सारी, और ये पूरा गेट मांझ है और अभी और कर रही है काम, ठीक है। यहाँ से शुरू है, दिखा के आई हूँ मैं, इतने सारे कपड़े हैं ये। और कितने दिन के? 2-3 दिन के, बस 3 दिन के इतने सारे कपड़े, एक हफ्ते में क्या हो जाता, मैं तो बेहोश होके ही पाते। और ये चाहते क्या? हाय गाइस, ये इतने सारे कपड़े हैं, हमारी मशीन 2 दिन से ख़राब है बड़ी वाली, वो थोड़ा ना तो ट्रांसफार्मर में थोड़ा पता नहीं क्या ऑफडाउन हो गया तो मशीन में थोड़ा डिफेक्ट हो गया। ये 3 दिन के कपड़े, वो तो आपने देख ही लिया होगा 3 दिन के कितने कपड़े। अगर मतलब कि अगर एक हफ्ते के कपड़े होंगे ना या होते तो मैं बिल्कुल नीचे नहीं जाती, मेरा खाना चाय पानी यहीं आता और मैं यहीं रहती। ये जग्गी है ना यहाँ पर देखो, फोल्डिंग में पड़ी है खाने पीने का सारा सामान। मैं घर वाले से कहते थे मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगी। मम्मी का बसेरा ऊपर, मेरा बसेरा ऊपर ही होता। अभी जैसे 2-3 दिन के आए, संगवा के आना। मम्मी यहाँ क्या कर रहे हो? टेस्टिंग कर रही हूँ, नई ट्यूब लगी है तो थोड़ा उभर के आ रही है मट्टे। तो मैंने तो पलंग की थोड़ी सी अच्छी सफाई कर दी, वैसे तो रोज ही करती हूँ। जल्दी कर लो, 1 तो बज भी गए। नया कॉलिन जो बनाया था उससे कर रही, वो लाए थे आप गोली सी लाए थे कुछ। अभी तो चलेगा और कम से कम पूरा 1 साल और चलेगा, अभी टैबलेट कम से कम 6 हो रहे हैं। सही है, वैसे कॉलिन लाने से तो सही है यही। ये मम्मी है, मम्मी मटन आया था उसको धो रही अच्छी तरह। करा दे इसकी बात, कैसे बाल कटवाए लिखा उधर दिखा, यही कटिंग होती है तेरी हर बार की। सफाई सारी हो गई है कमरे की, सारी यहाँ पे सफाई हो गई है। और यहाँ पर अरमान और आरुष बैठे हुए हैं, और उसने अभी अभी अरमान से टैब ले लिया तो अरमान उसे घूर घूर के देख रहा है टैब पे, तो अरमान का कब्जा है। ये देखो पूरा चमक गया, देखो क्या सफाई हुई है, चक्का चक एकदम चमक मार रहा है ना फ्रश, ये होती है सफाई ऐसे। और ये सारी सफाई की है काकुल ने, देख लो काकुल के हाथ में सफाई बहुत है, काकुल बहुत सफाई से काम करती है, एकदम चमका देती। मतलब अगर करती तो बहुत लेट है, धीरे धीरे करती है, पर चमका के देखो फर्श भी अलग ही किलो मार रहा है, इतना चमकाया इसने फर्श को, देखो क्या अलग चमक मार रहा है कि हाँ सफाई हुई है। ये देखो डस्टबिन के पास भी एकदम चमक रहा है सारा, ये सारी ग्रिल व्रिल है ना। चलो अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो ये है खाना, ये चावल है चटनी, चावल मेरे फेवरेट, और एक रोटी खा रही हूँ घी लगा के, चटनी से ही खाऊँगी। के बज रहे हैं 8:30 साढ़े 7 सॉरी। और
ये है साग, और ये जब मैं घोटा लाई थी बिल्लू मम्मी के यहाँ से, और ये ममता पतीली पे लगा के गई है मिट्टी, जो कि पतीली काली ना हो, और मैं आज बना रही चूल्हे पे साग। ठीक है, अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर साग मेरा, अभी सामान तैयार हो रहा है साग का, नीचे दिव्या कर रही है। ठीक है, तो अभी मैं जो जो इसमें डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सामान ले आई हूँ नीचे से, ये है लहसुन अदरक और हरी मिर्च कटी हुई, और यह टमाटर, हर कोई नहीं डालता साग में, मैं डालती हूँ। कई लोग ये कहते हैं हम नहीं डालते, पर मैं तो डालती हूँ। ये है मसाले। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे डालूँगी वैसे वैसे मैं दिखाऊँगी, अभी तो साग हो रहा है। अभी मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च कटी हुई जो थी वो डाल दी है साग में, अभी साग चला दिया है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर जो लहसुन अदरक कूट रखा था वो डाल दिया है इसके अंदर, और अभी इसको अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ दिया है, और ये अच्छी तरह जब पकेगा तो फिर मैं इसमें आलन लगाऊंगी और साग घोटूंगी। फिर अब मैंने इसके अंदर मसाले भी डाल दिए हैं जो भी डालने थे, और टमाटर भी जो काटे हुए थे वो टमाटर भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। वैसे इस पे गैस के हिसाब से ना इस पे जल्दी बन गया, जल्दी हो गई गैस पे, तब तक ठीक नहीं लग रही होती, और मैंने 7:30 बजे चढ़ाया था, 8:10 मिनट हो रहा है अभी, आधे घंटे हुआ ना, आधे घंटे में साग में आलू की भी तैयारी हो गई, अब तक तो मसाले की भी नहीं हो पाती गैस पर। अब इस साग को हम थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक अच्छे से पक ना जाए आलू, जब तक हम साग को पकाते रहेंगे। अच्छा, कितना महंगा मतलब चूल्हे की तो बात ही अलग होती है, जो गैस का साग होता है ना उसकी बात अलग होती है। पता है जब मेरी शादी में थी, जब मेरी शादी में हुई थी ना, कुंवारी थी, तो मैं जब घर पे है ना, कभी कभी ऐसा मन करता था कि मैं शाम को ना सब्जी और रोटी दोनों चूल्हे पे बनाती थी। मुझे तो शुरू से ही शौक है चूल्हे पे खाना बनाने का, हमेशा मैं ना चूल्हे पे रोटी तो शाम को 5 बजे बना लेती थी। साग बन गया तकरीबन, बस 10-15 मिनट और पकाऊंगी, और उसके बाद नीचे जाकर छौंका लगाऊंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे छौंक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना थोड़ा राख वाख जो होता है ना, वो जब हम छौंक लगाऊंगी तो उसमें ना थोड़ा किरकिरापन का डर होता है कि छौंक के टाइम किरकिरापन ना आ जाए साग में, इसलिए छौंक नीचे ही लगाऊंगी। काकुल, इसका ढक्कन हटा थोड़ा सा, दिखा दूँ कैसा हुआ है। अब ये हो गया है, देखो कहते हैं ना चूल्हे का साग वो बात आ रही है इसमें, ये देखो चूल्हे के साग के सच में बात अलग है। और मैं अभी क्या करूँगी, अभी मैं एक दो रेसिपी और शेयर करूँगी चूल्हे पे, सोच रही हूँ मटन और चिकन भी बनाऊँगी और उसकी भी आपको वीडियो शेयर करूँगी, और बहुत अच्छा बन रहा है साग। और जब छौंक लगाऊँगी, जब इसमें दिखाऊँगी कैसा लुक आ रहा है, क्योंकि यहाँ धुएँ की वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है, बस साग थोड़ी देर में होने ही वाला है, 5 मिनट में मैं नीचे लेकर जाऊँगी। और देखो यहाँ पर साथ साथ सारी सफाई भी कर दी है, जो कि सुबह आए तो गंदा ना लगे। ये देखो पूरी चूल्हे के पास एकदम क्लीन कर दिया, ना कोई गंद है, सफाई नहीं है। बोले ऐसा नहीं कि चूल्हे पे खाना बना ले तो बुरी तरह फैला के चले जाओ, कितनी अच्छी सफाई है, देखो लग भी नहीं रहा मैंने खाना बनाया है, है ना, ऐसे काम करने चाहिए। रात के बज रहे हैं 10, और देखो मैं एक दिन मम्मी के यहाँ गई थी, बिल्लू मम्मी के यहाँ, और एक दिन मेरी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, सर में दर्द, पैरों में दर्द हो रहा था, तो 2 ही दिन में ही घर का यह हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो रहा है। देखो कूड़ा भी कितनी गंदी तरह भरा हुआ है, और वो ये बच्चे भी तंग करते हैं, घर का भी काम होता है, खाना दाना भी होता है, उन्हें भी टाइम नहीं मिलता। ममता आई थी, झाड़ू उड़ू मार के गई थी वैसे तो, पर देखो क्या हाल हो रहा है, कपड़े ये 3 दिन से ऐसे ही है, फोल्डिंग वोल्डिंग सब सूखे पड़े हैं। ये देखो थोड़ा सा दवाई खाई थी, आराम लगा है, इतना गंदा हाल हो रहा है, देख के भी ना ऐसे हो रहा है। अब
करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि चैन नहीं मिल रहा। बाथरूम में भी सर्फ गिरा है मैंने, अभी यहाँ पे कूड़ा भरा पड़ा, भर भर के ऊपर तक जा रहा है। ये करूँगी मेरे, जब तक खुद का हाथ नहीं लगता ना मेरे को अच्छा नहीं लगता सफाई में बिल्कुल भी। अब सफाई करूँगी क्योंकि चैन नहीं लग रहा कि सुबह करूँ, मन कर रहा रात को ही करके सोऊँ, जब ये अच्छा लगेगा, अच्छी नींद आएगी। तो सिर्फ मेरे को लगे हैं 15 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट लगे हैं मुझे। ये देखो ये देखो ये अब मेरा हाथ लगा है, ये होती है सफाई जैसे कि मैं चाहती हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, कूड़े की पूरी पन्नी खाली करके यहाँ रखी है। बाकी अच्छी सफाई करूँगी सुबह, अभी मैंने करी है ऐसी। देखो बस जरा सी देर में वही है, बस बच्चे तंग करते हैं वो भी क्या क्या करें। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। और ये वाला कमरे को इतने दिन हो गए फैले हुए, कपड़े धुलते रहते हैं, डलते रहते हैं, काकुल संगवा रही है इस कमरे को, क्योंकि ये भी स्कूल और ट्यूशन जाती है। ये देखो अब ये सारा रूम संगवा रही है। कपड़ों का हाल देखो, कमरे का हाल, बस कहीं जाना और बीमार पड़ना ही बेकार हो जाता है, क्योंकि सफाई तो हो जाती है पर जो संगवाई होती है ना, वो जो अपने आप संगवाते ना इंसान, वो ही बस खुद को पता लगती कैसे संगवाना है। ये देखो और रात के बज रहे 10:30।